हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। आज हम बनाएंगे भगवान गणेश जी की फेवरेट मोदक। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 चम्मच देसी घी को गर्म करेंगे। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे 2 कप कसा हुआ नारियल। उसके बाद थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अब हम 2 से 3 इलायची कूट के डाल देंगे। उसके बाद 1/2 कप गुड़ भी ऐड कर देंगे। सबको अच्छे से मिला के फ्राई करने के बाद 2 कप पानी गरम करेंगे। उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच देसी घी। पानी बॉयल हो जाने के बाद हम उसमें ऐड कर देंगे 1 कप चावल के आटा। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब पानी पूरी तरह से सूख चुका है। अब हम 10 मिनट के लिए ढका के रख देंगे और साथ ही साथ गैस को ऑफ भी कर देंगे। अब और एक प्लेट में निकाल लेंगे और अच्छे से मिक्स करके एक डो बना लेंगे। अब थोड़ी सी घी हाथ में लगा लेंगे। उसके बाद मोदक बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा आटा लेके उसको गोल शेप देंगे, फिर बीच में होल करेंगे। उसके बाद नारियल को बीच में देके धीरे धीरे प्रेस करते हुए चारों तरफ से क्लोज करते जाएंगे। अब यहाँ पे मोदक का डिजाइन देने के लिए 1 चम्मच के हेल्प से थोड़ा थोड़ा ऊपर से कट लगाएंगे। यह हमारा बन गया मोदक। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। अब हमारा सारा बन चुका है। अब हम सारे मोदक को 5 मिनट के लिए स्टीम कर देंगे। स्टीम करने के लिए एक इडली फ्रेम में हम थोड़ा सा घी लगा के उसमें सारे कच्चे मोदक को रख लेंगे। उसके बाद इडली कुकर में डाल के 5 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा ये रेडी हो चुका है मोदक। आप लोग भी इसी तरह एक बार ट्राई करके देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी एंड थैंक यू।